अलीमा खान साहबा की एक और जायदाद का इंकशाफ हुआ है अमेरिका में। ये तो आपने आपने कहा कि उनकी अलीमा बाजी का तो वो बनता ही नहीं है मामला, बल्कि ऑपोजिशन का कुछ और स्टांस है। ऑपोजिशन का मुतालबा है कि उनका नाम भी ECL में डाला जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जियो ने बड़ी सहाफती बदयानती की, जो कि नई बात नहीं है। उन्होंने ये कल अपने प्रोग्राम में कहा कि हमने ये इंकशाफ किया है। हाँ, अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट है। हाँ, और वो जो ये सहाफती बदयानती है ना कि आपने एक डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी को लिया और डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी को कह दिया कि ये हम इंकशाफ कर रहे हैं। लाइक वाइज जो पहले फैसल वाडा की प्रॉपर्टी लंदन में थी, उसके अपने जो है नॉमिनेशन पेपर्स उनमें डिक्लेयर्ड है। हाँ। उसको लगा दिया कि जी हमने ये प्रॉपर्टी दरियाफ्त कर ली है। अलीमा खान साहिबा भी फैसल भी खुद बता रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज हैं और ये हमारी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं और उसके ऊपर, और आप उसके ऊपर इंकशाफ ये कर रहे हैं कि हमने इंकशाफ कर दिया और उसके ऊपर आपने एक स्टोरी खड़ी कर दी। अब सवाल ये है कि क्या फैसल हो या अलीमा खान हो, क्या उनके पास सोर्सेज हैं अपने प्रॉपर्टी प्रूव करने के या नहीं? सवाल तो ये है ना। तो उनका जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया अपनी दुबई की प्रॉपर्टी के लिए, उन्होंने अपनी सारी स्टेटमेंट सामने रखी। उन्होंने कहा जी ये मैंने 3.5 करोड़ का अपार्टमेंट लिया था, 1.5 करोड़ जो है मैंने अपने पास से डाला था, 1.5 करोड़ बैंक से डाला था, 1.5 करोड़ जो मैंने अपने पास से डाला था उसकी ट्रांजैक्शन ये है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन उनकी मौजूद है। सो ये बुनियादी, लेकिन अमेरिका वाली प्रॉपर्टी उन्होंने डिक्लेयर की सुप्रीम कोर्ट में जाकर, ये तो यहाँ पे FPR में डिक्लेयर्ड है। बेसिकली कन्फ्यूजन क्या है, फर्क क्या है? फर्क यह है कि उन्होंने कहा कि मैं एक्सपोर्ट कर रही हूं दुबई के हेड ऑफिस से, मैंने एक्सपोर्ट किया है अमेरिका, वहां से मुझे पेमेंट्स आ रही हैं, मैंने दुबई में घर ले लिया, तो ये जो प्रॉपर्टी है जो मैंने फॉरेन इनकम से खरीदी है ये मैं पाकिस्तान में लायबल नहीं हूं डिक्लेयर करने की, बिकॉज मेरे पे टैक्स नहीं लगता। उन इंटरप्रिटेशन ये थी। बाद में यहां पर आके उन्होंने कहा नहीं, इंटरप्रिटेशन ये है कि आपकी दुनिया में जहां पर भी प्रॉपर्टी हो आपने डिक्लेयर करनी है, और अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो उसका इतना फाइन होगा। तो उन्होंने टैक्स दिया इसका अमेरिकन प्रॉपर्टी का, अमेरिकन जो अमेरिकन प्रॉपर्टी उनकी डिस्क्लोज हुई है। वो तो उन्होंने एमनेस्टी में गालबन डिक्लेयर की हुई है ना, तो उसका तो टैक्स नहीं होगा। ओके, ठीक, एक ब्रेक ले।